हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे भारत के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में। दोस्तों अभी मेरी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाइए और अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी वीडियोस देखने के लिए। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला, दोस्तों हमारे देश में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। और इसका दोस्तों पैसेंजर ट्रैफिक है वो तकरीबन 70 मिलियन पैसेंजर्स है हर साल, मतलब 7 करोड़ पैसेंजर्स हर साल ट्रैवल करते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और दोस्तों कार्गो ट्रैफिक है हर साल तकरीबन 1.8 करोड़ टन का जो कार्गो है उसको दोस्तों ट्रांसपोर्ट करते हैं इस एयरपोर्ट से हर साल। और इस एयरपोर्ट में दोस्तों बेसिकली 3 टर्मिनल्स हैं, T1, T2 और T3 टर्मिनल। और ये दोस्तों हमारे भारत का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, जो कि नंबर 1 और सबसे बड़ा है हमारे भारत में, जो कि हमारी दिल्ली राजधानी में है। और दोस्तों इस एयरपोर्ट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोनों ही जाती हैं। और दोस्तों एक और फैक्ट इसके बारे में ये है कि जो टर्मिनल 3 है ना इस एयरपोर्ट का, वो दुनिया का दोस्तों सबसे बड़ा टर्मिनल है, जिससे कि दोस्तों कैपेसिटी है वो तकरीबन 3.4 करोड़ पैसेंजर्स की है हर साल, मतलब हर साल 3.4 करोड़ जो पैसेंजर्स है वो ट्रैवल करते हैं टर्मिनल 3 से इस एयरपोर्ट के। और दोस्तों अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो इस एयरपोर्ट में तकरीबन लग्जरी लॉन्जेस हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, होटल्स हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट बैगेज हैंडलिंग सिस्टम है। और मेजर हमारे इंडिया के जो कैरियर्स हैं जैसे एयर इंडिया है, वो यहाँ से ऑपरेट करते हैं। और अगर मैं अवार्ड्स की बात करूँ दोस्तों, तो इस एयरपोर्ट को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे एक्सीलेंस इन सर्विस का अवार्ड इस एयरपोर्ट को मिल चुका है। तो दूसरा सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है हमारे भारत का दोस्तों, उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, जिसको कि दोस्तों BOM बोलते हैं। और ये दोस्तों हमारे भारत के शहर मुंबई में है, महाराष्ट्र में। और इस एयरपोर्ट से दोस्तों हर साल तकरीबन 5 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। और अगर मैं कार्गो ट्रैफिक की बात करूँ तो हर साल तकरीबन दोस्तों 8 लाख टन का कार्गो यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस एयरपोर्ट से। और इस एयरपोर्ट में दोस्तों तकरीबन 2 टर्मिनल्स हैं, T1 और T2। और ये हमारे भारत का दोस्तों दूसरा सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है दिल्ली वाले एयरपोर्ट के बाद में। और इस एयरपोर्ट से दोस्तों दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती हैं। और टर्मिनल 2 जो था दोस्तों वो 2014 में बना था और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टर्मिनल है। और यहाँ से दोस्तों ज़्यादातर एक्सपोर्ट की जाती हैं टेक्सटाइल्स, केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स की चीज़ें इस एयरपोर्ट से। और अगर दोस्तों मैं यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट जोन्स हैं, स्पास हैं और फूड ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं इस एयरपोर्ट पे। और इस एयरपोर्ट से दोस्तों बेसिकली फ़्लाइट्स जाती हैं वो जाती हैं यूरोप को, मिडल ईस्ट को, साउथ ईस्ट एशिया को। अगर मैं तीसरे सबसे बड़े दोस्तों इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूँ तो उसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का, जिसको कि BLR बोलते हैं। और ये दोस्तों तकरीबन 3.5 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करता है हर साल। और कार्गो ट्रैफिक की बात करूँ दोस्तों तो तकरीबन 4 लाख टन का कार्गो जो है इस एयरपोर्ट से ट्रांसफ़र किया जाता है हर साल। और इस एयरपोर्ट में दोस्तों टर्मिनल्स हैं 2, जो कि T1 और T2 हैं। और ये दोस्तों हमारे भारत का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, मतलब पैसेंजर ट्रैफिक को हैंडल करने में। और यहाँ से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट जाती हैं। और इसका जो T2 टर्मिनल है दोस्तों, वो नया टर्मिनल है जो कि बेसिकली दोस्तों बहुत सारे पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए और काफ़ी सारा कार्गो हैंडल करने के लिए इसको बनाया गया है। और इस एयरपोर्ट की खासियत ये है दोस्तों, ये कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है, मतलब हमारे देश के कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं दोस्तों जो कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट्स हैं, उनमें से ये वाला एयरपोर्ट है बेंगलोर का। और ज़्यादातर दोस्तों यहाँ से जो फ्लाइट जाती हैं वो साउथ ईस्ट एशिया को जाती हैं। अगर मैं चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट की बात करूँ दोस्तों, तो हमारे भारत का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, जिसको कि दोस्तों CCU बोलते हैं। और यहाँ से दोस्तों हर साल तकरीबन 2.2 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और 2.5 लाख टन का जो कार्गो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इस एयरपोर्ट से। और इस एयरपोर्ट में दोस्तों तकरीबन 2 टर्मिनल्स हैं, T1 और T2। और ये दोस्तों सबसे बड़ा एयरपोर्ट है हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहाँ का, कोलकाता का। और ज़्यादातर दोस्तों इस एयरपोर्ट से फ्लाइट जाती हैं साउथ ईस्ट एशिया के देशों को, जैसे बांग्लादेश, भूटान और साउथ एशियन और देश जो होते हैं उनको। और यहाँ से दोस्तों जो
एक्सपोर्ट किया जाने वाला सामान है बेसिकली कार्गो से, वो है बेसिकली फार्मास्यूटिकल और मैन्युफैक्चरिंग के गुड्स। अब पांचवा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है दोस्तों हमारे भारत का चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इस एयरपोर्ट से दोस्तों हर साल तकरीबन 2.2 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और 400,000 टन का जो कार्गो है वो ये हैंडल करता है ये एयरपोर्ट। और इसमें तकरीबन दोस्तों 2 टर्मिनल्स हैं और यहाँ से दोस्तों बेसिकली जो फ्लाइट जाती हैं फ्लाइट्स वो जाती हैं मिडल ईस्ट को, साउथ ईस्ट एशिया को और ईस्ट एशिया। अब जो 6 नंबर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है उसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद का, जिसको कि HYD बोलते हैं, और ये दोस्तों हर साल हैंडल करता है तकरीबन 2.1 करोड़ पैसेंजर्स और 1.5 लाख का कार्गो और 1.5 लाख टन का कार्गो। और इसमें दोस्तों एक ही टर्मिनल है T1, और ये हमारे भारत के दोस्तों एक प्रधानमंत्री रह चुके हैं राजीव गांधी जी, उनके नाम पे रखा है इसका नाम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ से जो फ्लाइट्स जाती हैं वो जाती हैं बेसिकली दोस्तों मिडल ईस्ट को, साउथ एशिया को और साउथ ईस्ट एशिया को, और दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से जाती हैं इस एयरपोर्ट से। और ये जो एयरपोर्ट है दोस्तों ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है इस एयरपोर्ट में, जहाँ के सीमलेस चेकइन्स होते हैं और बैगेज हैंडलिंग बढ़िया होती है। और यहाँ से बेसिकली दोस्तों जो कार्गो एक्सपोर्ट किया जाता है वो बेसिकली होता है पेरिशेबल्स का, फार्मास्यूटिकल्स और जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब सातवें सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूँ दोस्तों हमारे भारत के, तो वो है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको कि PNQ बोलते हैं, और ये दोस्तों हमारे भारत के शहर पुणे में है महाराष्ट्र के, और तकरीबन 1 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं इस एयरपोर्ट से हर साल, और 25,000 टन का जो ट्रैफिक है कार्गो जो ट्रैफिक है वो हैंडल होता है इस एयरपोर्ट से। और इसमें एक ही टर्मिनल है T1 टर्मिनल, और यहाँ से दोस्तों बेसिकली जो फ्लाइट जाती है वो जाती है मिडिल ईस्ट को और साउथ ईस्ट एशिया को, और बेसिकली जो गुड्स यहाँ से दोस्तों हैंडल किए जाते हैं वो होते हैं एजुकेशन के और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के और IT के जो गुड्स होते हैं वो। अब आठवां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, जिसको कि AMD बोलते हैं, और ये गुजरात के अहमदाबाद में है दोस्तों एयरपोर्ट। और यहाँ से दोस्तों हर साल तकरीबन 1 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और 80,000 टन का कार्गो ये एयरपोर्ट हैंडल करता है। और इस एयरपोर्ट में दोस्तों तकरीबन 2 टर्मिनल है T1 और T2, और ये दोस्तों हमारे भारत का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ एयरपोर्ट है। अगर मैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताऊँ दोस्तों, तो वो हमारे भारत के सबसे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनके नाम पर दोस्तों एयरपोर्ट रखा गया है। और यहाँ से दोस्तों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स जाती हैं, और ये दोस्तों एयरपोर्ट हब है टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए। अब 9 नंबर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है दोस्तों कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कोची में है केरला के, और तकरीबन 1 करोड़ पैसेंजर्स हर साल यहाँ से ट्रैवल करते हैं और 50,000 टन का कार्गो ये एयरपोर्ट हैंडल करता है हर साल। और इस एयरपोर्ट में दोस्तों एक ही टर्मिनल है और यहाँ से फ्लाइट्स बेसिकली जाती है मिडिल ईस्ट को, और यहाँ से दोस्तों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स जाती हैं। अगर मैं 10वें सबसे बड़े एयरपोर्ट की बात करूं दोस्तों, तो हमारे भारत का 10वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम, और ये दोस्तों हमारे भारत के केरला जो स्टेट है वहाँ के तिरुवनंतपुरम शहर में है। और ये दोस्तों एयरपोर्ट है, यहाँ से तकरीबन 60,000 पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं हर साल इस एयरपोर्ट से, और इस एयरपोर्ट से भी दोस्तों दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती हैं। तो दोस्तों आज तो ये बात होगी हमारे भारत के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में। तो आपको आज की ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अभी इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों मेरे इस चैनल पे अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you.